जब से स्वतंत्र भारत हुआ तब से कांग्रेस आई सत्ता में, लेकिन कांग्रेस ने कभी किसान गरीब मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। केवल कांग्रेस ने सोचा अपने लिए, अपने एमएलए के लिए, अपने राजनेताओं के लिए और उनको मदद करने वाले उद्योगपतियों के लिए। 525 पुलिसकर्मी घायल किए थे और लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया था। भारत का अपमान, भारत के संविधान का अपमान, भारत की केंद्र सरकार का अपमान और सारे किसान नेताओं का अपमान। कांग्रेस इतना फंडिंग दे रही है ने कि यदि वहां से हट जाते हैं तो फिर कौन देगा, ये वहां रहते हैं तो करोड़ों लेते हैं, उसमें आधा पद्धे खर्च करते हैं, आधा पद अपना और ओर से लिया है। राकेश टिकैत ने तो महेंद्र सिंह टिकैत के सामने ही दलाली शुरू कर दी थी। हमें अधिकार है आंदोलन करने का, धरना देने का, लेकिन हमें अधिकार नहीं है सड़क पर पक्के मकान बनाकर एसी लगाने का। सड़क पर पक्के मकान बनाकर एसी लगाना, दूसरे के मकान पर कब्जा करना, दूसरे के प्लॉट पर कब्जा करना और जेपी ग्रुप से करोड़ों रुपया दलाली करना, ये आतंकवादियों का काम है। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रुति। लगातार 9-10 महीनों से आप देख रहे होंगे कि किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलित हैं। वहीं अगर हम 5 सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर में उन्होंने महापंचायत किया था और अभी मैं जहां मौजूद हूं, जिनसे मैं बात करने वाली हूं, वो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्र अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किसान आंदोलन को हमेशा आपने एक महाभारत की संज्ञा दी है जिसमें आपने अपने आप को अर्जुन कहा है, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके अनुसार कृष्ण कौन है? ऐसा है, हमारे कृष्ण है पूजनीय रमेश बाबा और रमेश बाबा के आदेश से ही हम राकेश टिकैत वाले यानी महेंद्र सिंह टिकैत वाले संगठन से अलग हुए सन 2010 में, क्योंकि ब्रज में ब्रज को उजाड़ा जा रहा था, ब्रज की पहाड़ियों को उखाड़ा जा रहा था। बाबा ने इनसे कहा, इन्होंने नहीं रुकवाया, हमसे कहा, हमने बाबा की मदद की, तभी से भारतीय किसान यूनियन की जगह पूजनीय रमेश बाबा ने भारतीय किसान भानु बनाया, जिसका ये बैनर टंगा है, और पूजनीय रमेश बाबा ने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु बनाया। तब से हम अलग हैं और बाबा ने ही हमें 1 मार्च 2011 को इलाहाबाद से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक किसान बचाओ, देश बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ, ब्रज बचाओ, इनके लिए भेजा था। कांग्रेस की सरकार थी, फिर 15 दिन हमने धरना लगाया था। धरने के बाद उन्होंने सब कुछ लिख के दिया, हम पूरा करेंगे, लेकिन कोई बात पूरी नहीं हुई। तब 1 मार्च 2013 को फिर भेजा था और बाबा ने कहा था कि अब कह देना नहीं मानोगी तो कांग्रेस का सफाया कर दिया जाएगा। वो ही हुआ, उन्होंने मानी नहीं। हमने कहा भाजपा लाओ और देश बचाओ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार हारी, क्योंकि हमारे विचार से कांग्रेस अब जो दिलचस्पी किसानों के लिए दिखा रही है, सत्ता में रही, जब से सत्ता आई, जब से स्वतंत्र भारत हुआ तब से कांग्रेस आई सत्ता में, लेकिन कांग्रेस ने कभी किसान गरीब मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। केवल कांग्रेस ने सोचा अपने लिए, अपने एमएलए के लिए, अपने राजनेताओं के लिए और उनको मदद करने वाले उद्योगपतियों के लिए। इसलिए कांग्रेस को हम कहते हैं भ्रष्टाचार की जननी। यदि कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं करती राजनीति में तो कोई भी राजनेता आगे बेईमानी नहीं सीख पाता। 26 जनवरी आपको याद होगा, जिस तरीके से उस समय हम बताएं कि वहां पर लाल किले पर झंडा फहराना और इतने पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया गया था। 525 पुलिस कर्मियों पर हमला, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर के किसान नेता नहीं, तथा कथित किसान नेता उर्फ आतंकवादियों ने 525 पुलिसकर्मी घायल किए थे और लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया था। भारत का अपमान, भारत के संविधान का अपमान, भारत की केंद्र सरकार का अपमान और
सारे किसान नेताओं का अपमान। किसान नेताओं को लोग कहने लगे ये क्या है, ये तो बेईमान है, ये तो लुटेरे हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं। 27 जनवरी को हमने गए तो थे, हम अपनी मांगों को लेकर, हमने राजनाथ सिंह से मिले थे, झूठ नहीं है, हम कृषि मंत्री से मिले थे और हमने यही मांगे रखी थी अपनी, किसान आयोग का गठन कर दो, किसान कर्जदार है उसको माफ कर दो, किसानों को अधिकार दे दो, किसान आयोग की सहमति से MSP तैयार हो, 10,000 रुपया जो किसान बुढ़ा हो जाता है, हारे हुए MLA MP पेंशन पाते हैं तो जीवन यापन भत्ता के लिए 10,000 रुपया दे दो, जातिवाद धर्मवाद आड़े ना आना चाहिए। लेकिन जब 27 को देखा कि सारे किसान नेता बदनाम हो रहे हैं, हमने तुरंत छोड़ दिया वहां से, और इनसे भी कहा कि अब अपने अपने घर चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ज्यादा ऊंचे नेता बनते हैं ये कांग्रेस की फंडिंग से चल रहे हैं सब। कांग्रेस इतना फंडिंग दे रही है इन्हें कि यदि वहां से हट जाते हैं तो फिर कौन देगा, ये वहां रहते हैं तो करोड़ों लेते हैं, उसमें आधा पद्धे खर्च करते हैं, आधा पद अपना और ओर से लिया है। राकेश टिकैत ने तो महेंद्र सिंह टिकैत के सामने ही दलाली शुरू कर दी थी। एक बार इलाहाबाद में हम थे, एक नौसिंह थे, चौधरी नौसिंह, उनसे भी कहा, हमसे भी कहा कि हमारे राकेश को समझाओ, ये दलाली बट्टा करने लगा है और हमारी ये छवि खराब कर देगा। लेकिन हमने ये कहा हम कैसे समझा लेंगे, पुत्र तुम्हारा है और ये तो सिपाही था दिल्ली पुलिस में, लेकिन वो लूटपाट करके वो गांव का घर पर ठीक कर लिया, फिर मुजफ्फरनगर में कोठी बना ली। लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इससे सहमत नहीं थे, ये हम बता रहे हैं आपको, और हम तो इनकी सब बात जानते हैं। नरेश टिकैत को जाने, राकेश टिकैत को जाने, के तीसरे नंबर के उसमें एक जो मील था उसमें चपरासी थे, छोटा सबसे छोटा सुरेंद्र था वो पढ़ता था, लेकिन अब इनसे हमारा कोई तालमेल समझौता नहीं है, हम अपनी मांग कर। लेकिन एक बात इन्होंने गलत कर दी है, बहुत गलत, गलत ये कर दिया कि इन्होंने मुजफ्फरनगर में मीटिंग करके, फंडिंग वाली मीटिंग करके अभिमान में छा गई, दुर्योधन बन गई, और इन्होंने केंद्र सरकार को, मोदी जी को और हमारे योगी जी को, उत्तर प्रदेश के योगी जी को ये शब्द कहे कि योगी बाहर ही हैं और मोदी बाहर ही हैं, योगी को हम उत्तराखंड भगा देंगे। तो संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, और हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक प्रणाली से बहुमत में चुने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब कोई पागल है जो ये कहेगा कि बाहर ही है कि भीतर ही है, क्या है, क्या मतलब है? ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूं, राकेश टिकैत और राकेश टिकैत के सभी सहयोगियों को, उनकी बुद्धि खराब हो रही है। जैसे दुर्योधन का अन्न खाने के बाद द्वापर युग में भीष्म पितामह की, कर्ण की, कृपाचार्य की, द्रोणाचार्य की, अश्वत्थामा की बुद्धि खराब हो गई थी, पांडवों के साथ अन्याय करवा रहे थे, ऐसे इनकी बुद्धि खराब हो गई है। मेरी समझ में राकेश टिकैत के सभी साथियों को पकड़ के पागल खाने में कर दिया जाए, और यदि योगी से ये कहते हैं कि इनको भगा देंगे तो अब हम भी कहते हैं उनका बदला हम 3 अक्टूबर को जिस जगह राकेश टिकैत के पिताजी ने, वो जगह इमलिया उमरगढ़ आज जनपद फिरोजाबाद में पड़ता है, तब एटा में पड़ता था, वहां मीटिंग की थी, वहां एक कार्यालय बनवाया था, उसका उन्होंने उद्घाटन किया था और हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था आज से लगभग 32 साल पहले। तो अब हमने भी ये प्रण कर लिया है कि हमारा आप पूरे देश में संगठन है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश के किसानों को, ओरिजिनल किसानों को, विशुद्ध किसानों को, असली किसानों को वहां बुलाएंगे, और 3 अक्टूबर के लिए हम उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री को, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री को, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री को,
और हमारे प्रिय नेता और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी को निमंत्रण देंगे, यहाँ बुलाएंगे, और उधर केंद्र से बुलाएंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी को, और वित्त मंत्री श्री सीतारमण जी को, श्रीमती सीतारमण जी को बुलाकर उनको दिखाएंगे क्या उनका फंडिंग से चलने वाले किसान, देश के किसानों को लूटने वाले जो किसान नेता तथागत बनते हैं, उनकी सबकी संपत्ति की जांच करवाओ और हमारी भी करवाओ, और इस देश के किसानों को 75 साल बाद आजाद कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग की सहमति से उनके लागत मूल्य के अनुसार लागत से कम डोड़ा कीमत रखो, तो किसान बचा रहेगा, नहीं तो किसानी करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्या होगा इस देश का। इसलिए हम हाथ जोड़ के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से विनती करेंगे, क्यों कि लोकतंत्र है, हमें अधिकार है आंदोलन करने का, धरना देने का, लेकिन हमें अधिकार नहीं है सड़क पर पक्के मकान बनाकर एसी लगाने का, सड़क पर पक्के मकान बनाकर एसी लगाना, दूसरे के मकान पर कब्जा करना, दूसरे प्लॉट पर कब्जा करना, और जेपी ग्रुप से करोड़ों रुपया दलाली करना, ये आतंकवादियों का काम है। इसलिए राकेश टिकैत का तो एक गैंग है, गैंग जैसे छुपा रुस्तम होता है, अब खुल गया है। राकेश टिकैत के गैंग में जो आतंकवादी गैंग है, उसमें जहां जहां देखो हम बताएंगे, उसमें उरई जालौन के भी हैं कुछ, उसमें कुछ बाराबंकी के हैं, उसमें कुछ लखनऊ के हैं, कुछ तो हमें डरा रहे थे कल, उल्टी सीधी कह रहे थे बाराबंकी के, तो हमने कहा बेटे हम डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने कहा था कि मैं न्याय के लिए युद्ध करूंगा, हम 5 जरूर हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन देश और विदेश को खबर कर देंगे कि न्याय, सच्चाई, ईमानदारी के जो साथ हैं वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे साथ आ जाएं। रिजल्ट, 5 पांडवों ने सारी दुर्योधन की सेना और सारे महारथी हराए थे। इसी तरह अब हम भी कह रहे हैं कि किसान आयोग का गठन और किसान के कर्जे माफ करने की घोषणा 3 अक्टूबर को प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार करती है, तो इनको हराने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं है। ये भानु प्रताप सिंह का संकल्प है, वचन है और वायदा है, कोई नहीं हरा पाएगा। क्यों कि भानु प्रताप ने 40 साल तपस्या की है, न किसी को लूटा, न किसी को ठगा, न कहीं से दलाली की। सारी राजनीतिक पार्टियों और सारे राजनेताओं और सारे उद्योगपतियों को चैलेंज कर दिया है, यदि मैंने अपने फायदे के लिए कुछ किया हो तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आउट करो। और मैं कह रहा हूं कि जो किसान नेता राकेश टिकैत के साथ लगे हैं, इनकी यदि जांच हो ना तो ये आजीवन जेल में रहेंगे।